सो अभी टाइम हुआ है 1:27। एक्चुअली मैं सोने लग गया था, 15-20 मिनट हो गए थे, हल्की नींद आई थी और मैंने पर्दे हटा रखे थे कि मॉर्निंग में टाइम से उठेंगे, जब सन अप हो जाता है थोड़ी लाइट आ जाती है टाइम से उठ जाते हो आप। एकदम से फ्लैशेज मुझे फील हुए, एक दो तो मैंने इग्नोर किए पर और तेज़ फ्लैशेज, और फिर उसकी वजह से शीशा भी गड़गड़ाया ना, तो मेरे यहाँ बाहर की साउंड नहीं आती है क्योंकि वो प्रॉपर वैसे वाली विंडोज़ हैं, बट बिजली कड़कती है तो वो थोड़ी गड़गड़ाती हैं। तो एक बार उठते हैं, बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, आपको बाहर से दिखाता हूँ। आपको बाहर चल के दिखाते हैं। जस्ट लुक एट दिस, क्या खतरनाक बारिश हो रही है। मतलब यहाँ से कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है, बट जस्ट लुक एट दिस। मतलब अभी मैं सोने को रेडी हुआ था तो बाहर बहुत तेज़ बिजली गड़गड़ा रही थी, तो मैंने बाहर आके देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, जो 2-3 दिन से भयंकर गर्मी हो रखी थी ना, वापस से टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है। सो प्रॉब्ली मेरा पहले प्लान था कि आज की रात में निकल जाऊंगा, यानी थर्सडे रात को, थर्सडे अर्ली मॉर्निंग को, पर अभी मैंने एक दिन पोस्टपोन कर दिया है, तो प्रॉब्ली मैं कल निकलूँगा। गुड थिंग इज़ कि अभी हम ये वाला वेदर इन्जॉय कर पाएंगे। फ़ोन का कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट यू हैव टू सी दिस। तो चलिए जी, मैं अभी अपनी बारिश एंजॉय करता हूँ, बाकी की बात करेंगे आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। रात को जो बारिश वाला सीन हुआ था, वहाँ पे हमने ब्लॉग को शुरू नहीं किया था, तो ब्लॉग को ऑफिशियली हम अभी शुरू कर रहे हैं। सो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरी फिर ऑफिस की कॉल स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज एक्चुअली अभी मैं ऑफिस में इतना ऑक्यूपाइड हूँ, इवन दो मैं डाइट पे हूँ तो मैं कुक नहीं कर पा रहा हूँ खुद से, तो मैं आज थोड़े चीट मोड पे हूँ। लेट मी शो यू माई फूड। सो ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट, आलू की सब्जी, खस्ता पूड़ी, दही। श्वेता गुस्सा करेंगी कि अभी आप डाइट करने लगे थे, एक हफ्ते बाद ही आप पूरी खा रहे हो। वैसे तो मुझे तला हुआ पसंद नहीं है मॉर्निंग में, शी नोज दैट, बट अभी कोई और ऑप्शन नहीं था तो मैं खा रहा हूँ। तो अगर खा ही रहे हैं तो क्यों ना इसको इंजॉय करके खाया जाए। तो चलिए जी, मैं जल्दी से अपना फूड फिनिश कर रहा हूँ और आपसे मिलूंगा दिन में, जब भी मैं फ्री हूँगा। नीचे बच्चे पूल में खेल रहे हैं। सो जी हम एक बार मॉल जा के आ रहे हैं, अभी ऑफिस के कामों से फ्री हो गए हैं, मॉल से कुछ चीज़ें लेके आनी, तो पहले मॉल चलते हैं। एक वाटर की बोतल का क्रेट लेना है, गाड़ी में रखवाना है इमरजेंसी के लिए, वो लेते हैं और जैसा भी होता है आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके फाइनल पैकिंग करेंगे और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट हम निकल जाएंगे यहाँ से थे ओके लिए। तो जी बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो ये है जी हमारा मंदिर, यहाँ पे हमारी सोसाइटी का पूरा स्टेडियम है, जो बच्चे आ रहे हैं रेडी होके, क्योंकि यहाँ पे एकेडमी है क्रिकेट की, टेनिस की, तो प्रॉपर स्टेडियम है, बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। अभी मॉल वैसे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सामने है यहाँ से, बट अभी जो बीच का रास्ता है वो खुला नहीं है, तो हमें प्रॉबली थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। वंस ये रास्ता खुल जाएगा उसके बाद तो इट विल बी लाइक मैक्स टू मैक्स 700-800 मीटर्स वॉक। सो आप वॉक करके बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए जी जल्दी से मॉल पहुँचते हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं मॉल। पूरा 2 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, गाड़ी में भी आपको 2 ही मिनट लगते हैं। जल्दी से गाड़ी पार्क करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। बाकी काफ़ी टाइम से मैं वहीं पे था तो अभी कुछ कुछ चीज़ें नई बन गई, थोड़ा नया नया लग रहा है। बाकी ऊपर जाके दिखाते हैं कि कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं अगर हमारे मॉल में। तो कुछ फाइनल हुआ नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था और सेचुरेशन भी हो गई पूरे दिन ऑफिस से काम करके, तो अभी वापस घर पे चलते हैं, अपनी पैकिंग को फाइनलाइज करते हैं, बाकी सारा सामान रखते हैं। चलिए जी अब मॉल से वापस निकल रहे हैं। शॉपिंग मैंने एक दो जगह देखा पर फिर मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े आयरन करके उनको भी सेट करना है, अपनी फाइनल पैकिंग भी करनी है और थोड़ा सा टाइम से सोना है ताकि मैं रात को 1:30-2 बजे उठ जाऊँ, 3 बजे निकलने का मेरा प्लान है। तो अभी शॉपिंग को पोस्टपोन करते हैं, जल्दी से घर चलते हैं और इस वाले वीडियो को एडिट करके अपलोड लगाते हैं ताकि ये आज आ जाए। और सो गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे हमारे वाले मॉल में फास्टैग से ही पार्किंग की पेमेंट भी हो जाती है, तो ये काफ़ी हैसल फ्री हो जाता है, चेंज वेंज का चक्कर नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमारी पार्किंग की पेमेंट हो गई और अभी हम निकल गए हैं वापस घर जाने के लिए।
चलिए जी जल्दी से अपने कुछ छोटे मोटे काम और निपटाते हैं और घर चलते हैं। फाइनली हम वापस घर पे आ चुके हैं। अभी पैकिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार रास्ते का स्टेटस देख रहा था, तो अभी तक जो हमारा रास्ता है कुंजुम पास वाला, चंद्रताल वाला, वो अभी तक खुला नहीं है। अराउंड वो लास्ट वीक ऑफ मई ही खुलता है, तो हम एकदम पॉइंट पे जा रहे हैं। प्रॉब्ली पहले या दूसरे टूरिस्ट का बैच ही होगा जो लोग उसको क्रॉस करेंगे अगर वो खुल गया होगा। तो अभी हमारा प्लान जो है वो ऐसे है कि हम नोएडा से जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे चंडीगढ़, देन शिमला, देन नारकंडा। ये वाला पाथ हम फॉलो करेंगे। नारकंडा इज़ द मीटिंग पॉइंट, जो बाकी हमारे सब गाड़ियाँ और भी जा रही हैं, तो सब लोग वहाँ नारकंडा के पास ही इकट्ठे होंगे, तो हम लोग सब बाकी सब लोगों से वहाँ मिलेंगे। तो कल तो मेरा प्लान है कि मैं प्रॉब्ली कुफरी थियोग तक जाऊँगा और वहाँ से अगले दिन मॉर्निंग में नारकंडा चले जाएंगे। वहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता बचता है और वहाँ से फिर नारकंडा से सारी गाड़ी एक साथ चलेंगी। तो पहले दिन हम चितकुल जाएंगे, देन चितकुल से हम लोग ताबो जाएंगे, ताबो से देन हम मोनेस्ट्री वगैरह देखते हुए काजा जाएंगे, देन काजा साइट सीन करेंगे। अगर रास्ता खुल गया होगा तो वहाँ से चंद्रताल जाएंगे, चंद्रताल से हम जाएंगे मनाली, एंड देन मनाली से हम बैक ट्रैक करेंगे चंडीगढ़ एंड बैक टू नोएडा और भिवानी, वट एवर। बट अगर वो रास्ता नहीं खुला हुआ होगा तो हमें काजा से घूम के, हम फिर पीबर विलेज घूम के वहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे और प्रॉबली कल्पा होके वापस इसी रास्ते से शिमला चंडीगढ़ वाले रास्ते से वापस आना पड़ेगा। तो फिंगर्स क्रॉस जी ऐसा नहीं हो, क्योंकि लूप करते हैं तो अच्छा लगता है, सेम रास्ता बैक ट्रैक करने में वो मज़ा नहीं आता है। और वैसे भी मैं लास्ट टाइम भी गया था तो जो काजा से चंद्रताल का रास्ता है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और चंद्रताल में हमारा स्टे का प्लान था तो प्रॉबली मॉर्निंग का सनराइज सनसेट कुछ वहाँ से देखते तो उसका अलग ही मज़ा आता। तो अभी तो हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, वी स्टिल हैव लाइक 4 or 5 days, हम प्रॉबली थर्सडे को वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी है 1 हफ्ता, सो शायद जितनी गर्मी पड़ रही है उस चक्कर में वो रास्ता खुल जाए, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है, और हम नॉन 4x4 गाड़ी वाले लोग भी इजीली उसको क्रॉस कर पाएँ। सो जी अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल कर रहे हैं जैसे स्पीति, लद्दाख वगैरह कुछ, सो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो है डायमोक्स 250। सो ये बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पर जो सिकनेस फील होती है उसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो जनरली पिछली बार भी मैंने ऐसा फील किया था कि अगर आप उसको अपनी एल्टीट्यूड पर क्लाइंब करने से 1 दिन पहले से लेना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको ब्रेथलेसनेस या जो काइंड ऑफ डिजीनेस या उस टाइप की चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैं ले आया हूँ। सो भगवान से इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि प्रॉब्ली नेक्स्ट ब्लॉग जो है मैं वो रात को ही शुरू कर लूँगा। सो थैंक्स फॉर मेकिंग ए पार्ट ऑफ योर डे। दिस इज अमन गॉड साइनिंग ऑफ। बाय बाय।